गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। और यहाँ मुझे ऑलमोस्ट 2-3 दिन बीत चुके हैं, मैं 2-3 दिन ऑफिस भी जा चुका हूँ, तो मैंने सोचा क्यों ना कि वो सब जो नया एक्सपीरियंस जो मैं फील कर रहा हूँ, जो महसूस कर रहा हूँ, वो मैं आप लोग सबके साथ भी शेयर करूँ। और एक बात यह है कि यहाँ पर टेम्परेचर बड़ा कम ही सा रहता है, लेट्स से कि 16-17 डिग्री वही रह रहा है, और कल रात को तकरीबन बारिश हुई, और शाम को 6 बजे आते आते तो काफ़ी ज़्यादा ठंड हो गई थी, तो हमको जैकेट वगैरह और कानों में रुई डालनी भी पड़ जाती है कभी कभी। तो अभी हम लोग ऑफिस के लिए निकलते हैं, और अगर मैं बाई बस गया तो मैं भी वो शूट करने का ट्राई करता हूँ, और अगर हम बाई चल के गए तो जैसे कि 20-25 मिनट ही है वॉकिंग यहाँ से, तो मैं भी हम चल के जा सकते हैं। जो रोड पर जो एक्सपीरियंस है, किस तरह की गाड़ियाँ देखने को मिलती हैं, काफ़ी एक्साइट करती हैं मुझे यहाँ पर, तो मैं वो सब सारी चीज़ें ब्लॉग करके शेयर करूँगा। एक्चुअली बस को तो काफ़ी टाइम था, ऑलमोस्ट 20-25 मिनट बता रहे थे, तो हमने सोचा कि क्यों ना चल के ही चले जाएँ, और 2-3 दिन से हम लोग चल के जा रहे हैं, और ऐसे ज़्यादा कुछ ऑफिस दूर है नहीं, पास में ही है यहाँ पे। ओके, तो यहाँ पे एक सिग्नल लग चुका है, तो मैं दिखा दूँ, और ये सामने एक टेस्ला पड़ी है, बड़ी सी ट्रक है, और ऐसी गाड़ी वो लोग की गाड़ियाँ, और ओके, और वो शेवरलेट का जो आप सोचें वो गाड़ी आपको यहाँ पे मिल सकती है। और एक यहाँ की चीज़ मुझे काफ़ी पसंद आई है, जो लेट्स से कि आपको यहाँ से वहाँ जाना है, पार करना है, तो अपने यहाँ जैसे जेब्रा क्रॉसिंग है, अपन डायरेक्टली सिग्नल होते पार करते हैं, ऐसा नहीं, यहाँ पे ये बटन है, इसको प्रेस करेंगे 2-4 बार, और वहाँ पे जो एक हैंड का बना हुआ है सिग्नल, अगर वो ग्रीन हो जाएगा और वॉकिंग के लिए हो जाएगा, तो अपन फिर ये पार करके जा सकते हैं। और फाइनली हम लोग ने रोड क्रॉस कर ली है, और जो मैं बोल रहा था ये इसके अंदर क्या, और इस तरफ से ये फेडेक्स की एक ट्रक पड़ी हुई है, और बड़े बड़े ऑफिस हैं यहाँ पे। पीछे ऑप्टिम का एक ऑफिस है, AT&T का भी ऑफिस यहीं पे है, मॉर्गन स्टैनली वगैरह ये सब है यहाँ पे। ये कोई सी तो AYCO कोई तो है, और वेदर तो काफ़ी अच्छा है यहाँ का, वेदर काफ़ी मस्त है यहाँ पे, मतलब आसमान एकदम क्लियर रहता है। और हम लोग जहाँ रह रहे हैं एक्चुअली कैलिफोर्निया में, और ये यहाँ का वन ऑफ द सबसे पॉश एरिया है, और फ्रेंड्स लोग तो बता भी रहे थे कि यहाँ पे काफ़ी सारे लोग हैं जिनके प्राइवेट जेट्स वगैरह है, जो यहीं पे जो है पास में एयरपोर्ट, जो मैंने बताया था पिछले ब्लॉग में, वो वहीं पे उनके प्राइवेट जेट्स वगैरह रखे रहते हैं। ओके, तो जैसे मैं बता रहा था काफ़ी ऑफिसेज हैं यहाँ पर, तो वो सामने PwC की बिल्डिंग है, यहाँ पर SCM की बिल्डिंग है, और ये तो पता नहीं कौन सा है, और यहाँ पर ये मॉर्गन स्टैनली है, यहाँ पर बड़ी सी ये मॉर्गन स्टैनली की बिल्डिंग है। और वेदर देखो यार आप, बहुत ही सही है। और वो ऑप्टिमस प्राइम का भाई जाता हुआ वहाँ से, एंड ये मॉर्गन स्टैनली के पास ही ये बॉश की कंपनी का ऑफिस है यहाँ पर। ऑलमोस्ट ऑफिस पहुँच गए हैं, और उससे पहले ये कि फूड कोर्ट पड़ता है, तो यहाँ पे खाने पीने के लिए है, खैर अपन खाते ही, मुझे ऐसा पसंद नहीं है ज़्यादा बर्गर वगैरह सब, ये सब तो थोड़ा मेरा मामला देसी ही चल रहा है। तो गाड़ियाँ वगैरह देखें, यहाँ पे भी अच्छी खासी पार्क है, बस स्क्वायर नाम की बिल्डिंग है, और लोग अपना नाश्ता वगैरह कर रहे हैं यहाँ पे, इसको बंद कर देता हूँ। और वहीं फूड कोर्ट के पास में ये टेस्ला चार्ज होती हुई, तो मैं पीछे सीखने अपने यहाँ पर भी, काश कभी ऐसा हो कि अपनी इलेक्ट्रिक गाड़ी चार्ज हो और हम कहीं बैठ के खाना वाना खाते रहें। ओके, तो हम ऑलमोस्ट हमारे जो ऑफिस का एरिया है उसके आसपास आ चुके हैं, तो इस लोकेलिटी का नाम स्काई पार्क सर्कल है। ओके, तो बेसिकली यहाँ पे सारे ही ऑफिसेज वगैरह कॉरपोरेट ही हैं, और एक और बात है कि यहाँ पे बिल्डिंगें ज़्यादा ऊँची नहीं है, लाइक एक दो फ्लोर की मिलेगी, क्योंकि पास में जो मैंने लास्ट वीडियो में बताया था जॉन वेन एयरपोर्ट, उसकी वजह से यहाँ पर कुछ ज़्यादा ऊँची बिल्डिंगें होती नहीं, जैसे कि नॉर्मली होनी भी नहीं चाहिए वो, और पार्किंग ही देख के आदमी खुश हो जाता है। हाँ, जिसे भी कारों का शौक है, लेट से चलो थोड़ा बहुत भी पता है, वो तो काफ़ी खुश हो जाएगा स्टार्टिंग। ओके, तो हम लोग फाइनली ऑफिस पहुंच चुके हैं, तो यही है ऑफिस की बिल्डिंग है, जैसे मैंने बताया था ग्राउंड प्लस 1 ही है। ओके, और यहाँ पर मास्क का कैसा सीन है कि बाहर आपको कोई मास्क पहनने की ज़रूरत नहीं है, बट अगर आप बसेस में जा रहे हो, ऑफिसेज में जा रहे हो, तो फिर आपको वहाँ पहनना पड़ेगा। ओके, अनकारों की बात करें तो मैं तो पहले से ही फ़ैन हो रहा हूँ यहाँ पे, और एक अपने ऑफिस के बाहर एक लेक्सस पड़ी है, सामने एक टेस्ला पड़ी है। ओके, तो चलते हैं अभी ऑफिस,
और मिलते हैं शाम। हेलो दोस्तों, तो पूरा दिन ऑफिस में बिताने के बाद हमको थोड़ी बहुत शॉपिंग पेंडिंग थी घर में, सामान के लिए राशन जो भरना होता है, तो उसके लिए हम आए हैं यहाँ पे कॉस्को करके एक शॉपिंग सेंटर है। तो ये सामान बहुत बड़ा है, तो मैं दिखाता हूँ इसको थोड़ा सा कि यहाँ पे क्या क्या चीज़ें अवेलेबल है क्या नहीं है। वैसे तो बहुत बड़ा है तो मैं पूरा घूमूंगा, बट हमने स्टार्टिंग एक्चुअली मेरे काम का तो नहीं है, बट स्टार्टिंग हमने लिकर सेक्शन से किया। तो आप ये देखो यहाँ से वहाँ तक ये पूरा लिकर सेक्शन है ये, और उसके बाद ये, तो यहाँ पे हर तरह की ब्रांड मिली जाएगी आपको। बट ये सब देखते देखते मुझे एक बहुत ही स्पेशल ब्रांड नज़र आई, और वो थी अपनी, एक सेकेंड, ये रे अपनी रामपुर, और यहाँ लिखा है प्रोडक्ट ऑफ इंडिया। तो काफ़ी सही लगा है देख के। ठीक है यार, बाकी भी जगहें घूमते हैं अब और देखते हैं यहाँ पे कि क्या क्या मिलता है। तो लिकर सेक्शन ख़त्म करने के बाद उसके थोड़े से बाजू में यहाँ पे मैं दिखा देता हूँ ये फ्रेश प्रोडक्ट का आइटम है। यहाँ पे सब्ज़ियाँ वब्जियाँ सब मिल जाती है, और ये बेकरी का, बेकरी की चीज़ें मिलती हैं जो भी है, मुझे नाम आगे नहीं पता, देखना पड़ेगा। बट इस तरह की सारी कुकीज़ वगैरह सब अवेलेबल है यहाँ पर, और यहाँ पर केक्स वगैरह ये सब भी अवेलेबल है। और इस साइड में हमारे पीछे फ्रूट्स हैं, तो ये अपना एवोकाडो है यहाँ पर, और सारा वही पड़ा है वहाँ पर। कुछ और है, ये क्या चीज़ है इसका नाम मुझे नहीं मिल रहा, ये क्या है ओके, कुछ तो ये लिखा है तो जिसको पता हो प्लीज़ समझ जाना। और उसके बाद ये मीट शॉप है यहाँ पे, तो मुझे नहीं पता कैसा मीट है, बट है किसका है ये, बीफ है वगैरह वगैरह जो भी यहाँ पे चलता है वो सब होगा। उसके बाद अपन आगे की तरफ चलते हैं, और ये सामने पूरा का पूरा बीफ एंड पोर्क का सेक्शन है। यहाँ से आई हो बाप वहाँ तक है, ठीक है। तो अभी अपन नेक्स्ट आगे चल के देखते हैं कि क्या मिलता है। और ये पूरा मिनरल वाटर का सेक्शन है, यहाँ से वो जहाँ एंड तक दिख रहा है, ये कुछ बड़ी बड़ी बॉटल है, छोटा पैक है, लोग पूरे के पूरे 8-10-20-25 बॉटल जितनी भी है उन सबके पैक उठा के लेके जाते हैं यहाँ से। तो ये इतना बड़ा है यहाँ पे ये पानी का सेक्शन, और ये जो पूरा सेक्शन है यहाँ से वहाँ, फिर एक ये वाली रो, और इसके पीछे भी एक रो है वो सारी फ्रोजन फूड के लिए, सारा फ्रोजन। और यहाँ पर अपन देखते हैं, इनफैक्ट यहाँ पर तो चपाती भी फ्रोजन मिलती है, तो जिनको जैसे अपनी रोटियाँ बनानी नहीं आती वो लाते हैं पहले, फिर उनको अलग अलग करो फिर बनाओ, कैसे बनती पता नहीं, बट फ्रेंड्स ने बताया कि वो भी एटलीस्ट यहाँ पर मिलता है। और सारी चीज़ें तो मैं नहीं करूँगा कैप्चर, या फिर मैं कर भी नहीं पाऊँगा, बट एक और ये मस्त है कि यहाँ पर ये वेडिंग सेक्शन भी है, तो ये चीज़ें निकल रही, ये सोफा पड़ा हुआ है, और ये यहाँ से वहाँ तक सारे सोफा सेट्स वगैरह पड़े हैं, ये सब भी एक ही कंपाउंड में मिल जाता है। बट ये रिक्लाइनर है शायद, हाँ रिक्लाइनर ही है वो, एंड वो जो सोफ़ा वहाँ पड़ा था वैसा एक बड़ा यहाँ भी पड़ा है। और उसके बाद यहाँ पे ये शॉप्स भी हैं बहुत सारे, अच्छे सुंदर सुंदर। अब ये यहाँ पे भी कुछ प्लांट्स वगैरह, ये आर्टिफिशियल प्लांट्स वगैरह सब कुछ है, और ये ऑर्गेनिक फूड प्लांट्स, ओके ये सब सीड्स वगैरह होंगे मेरे हिसाब से। और यहाँ पे इंडियन लोगों के लिए प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बासमती राइस देखा, थोड़ी देर पहले ऑर्गेनिक घी देखा, जो फ्रेंड्स बता रहे थे कि पहले नहीं आता था घी यहाँ पर, नहीं मिलता था, तो अब वो भी मिलने लगा है, ठीक है। और ये यहीं पे पास में ये मैट्रेसेस वगैरह भी है यहाँ पर, फोम कसम नहीं क्या, बहुत बड़ी बड़ी, अच्छी खासी बड़ी, एक एक फिट की तो हाइट है इनकी ऑलमोस्ट, यहाँ से ये मैट्रेसेस है। और वहाँ पे आगे देखता हूँ, कैमरे से भी दिखता है कि देखता हूँ, आ जाऊँगा नहीं मैं ओके। तो वहाँ पे दूर, चलो ठीक है छोड़ देता हूँ, क्योंकि वहाँ पे वो टेस्ट वेस्ट भी करवाते हैं, अगर पिकल वगैरह है आप टेस्ट भी कर सकते हो उसको ओके। तो अभी अपने को थोड़े से फ्रूट्स लेने हैं, तो फ्रूट्स की तरफ जाते हैं फिर से, और देखता हूँ वहाँ से क्या ले रहे हैं ओके। तो फाइनली सारी शॉपिंग हो गई है, जितना सामान लेना था वो सब ले लिया, साथ में तीन कलीग्स थे एक्चुअली हम, और एक की तो फैमिली यहीं रहती है, तो उन्होंने काफ़ी बताया कि यहाँ से ये लो, यहाँ से मत लो कहीं से, और अपने को कॉस्ट इफेक्टिव तो हम देखते ही हैं वो हो जाएगा। और हमने सामान लिया तो अगर वो दिखता होगा आपको ऊपर शॉप का नाम कॉस्ट, ठीक है, यहाँ पर गाड़ियों की तो मैं बात कर ही रहा हूँ, अच्छी अच्छी गाड़ियों की तो कोई कमी नहीं है यहाँ पर ओके। तो फाइनली आज का दिन ऑलमोस्ट ख़त्म होने को आया है, बट चलते हैं देखते हैं ओके। तो फाइनली घर आ चुके हैं, और ऑलमोस्ट 8:30 बज चुकी है रात की, और कॉस्को से निकलने के बाद हम एक और जगह रुके थे होलसम, तो वहाँ से थोड़ा बहुत सामान ऑर्डर ली, थोड़ी सब्ज़ी वगैरह वहाँ पे ठीक थी तो वो ले ली, और बस अभी जैसे दिन भी एंड हो गया तो व्लॉग भी एंड करते हैं चलो इसी के साथ। तो अच्छा लगा हो तो लाइक करिए, शेयर करिए, और आप बताइए कि कैसा लग रहा है आपको आज का ये वीडियो एटलीस्ट। बाय बाय।